बहुत बहुत धन्यवाद विक्र बाबू और मेरे भी दो छोटे भाई हमारे सामने देखते देखते बड़े हुए उनको बहुत सारी शुभकामनाएं और आज के हमारे अध्यक्ष लेते हुए आरंभ करता हूँ मैं एक मिनट पहले भूमिका जैसे मैं कहूँगा मित्रों जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हम अपने बड़ों का आशीष लेते हैं अपने गुरु का अपने माता पिता का तो जब हम कुछ अच्छा काम करने जाएँ तो अगर हमारे सामने हमारे बड़े हमारे गुरु बैठे हों तो हम कुछ भी निरर्थक या गलत करने से बचना चाहते हैं तो मैं अपने इष्ट को आमंत्रित करता हूँ चार पंक्तियों से फिर कविता पाठ आरंभ करूँगा ताकि वो रहेंगे तो मैं कुछ भी अनुचित नहीं करूँगा जो कविता में करूंगा श्रेष्ठ करूंगा इस भाव के साथ आरंभ करता हूं <laughs> कविता गीत गजल कहानी तुमने सुनो तो सब पानी पानी आओ नाथ करूँ आरंभ मैं तुम्हारी कृपा से हमारी रवानी आओगे तो गीत बहेगा शब्द शब्द पुनीत रहेगा सब मंगलमय सुखमय होगा कविता का भी मान बढ़ेगा वाह 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 भाई वा जी वा, 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 क्या बात है वा. शब्द का दो आशीष कवि ने झुका दिया निज शीश कवि के यज्ञ को सफल बना दो कविता का हो ऊंचा शीश कविता का हो ऊंचा शीश अब मैंने अपने इष्ट तो को आमंत्रित कर दिया है अब मैं कविता पढ़ना आरंभ कर आइए आरंभ करता हूँ जी भाई इतने सारे खूबसूरत चिराग हैं उसके बीच एक दीपक है हिंदी का उर्दू के बीच मैं चाहता हूँ इन सभी चिरागों के लिए एक बार तालियाँ बजाइए और इस दीपक को ध्यान दीजिए इस दीपक को ध्यान लगाइए आरंभ करता हूँ भाषा का छात्र रहा हूँ जैसा देव जी ने कहा आइए भाषा से गीत शुरू करता हूँ और ये गीत जो है विक्रम को समर्पित है विक्रम बाबू को प्रेम क्या अभी उनका शुरू हुआ है देखिए प्रेम क्या मैंने क्या प्रेम जिया है मैं हूँ भाषा तुम हो मेरा व्याकरण मैं हूँ भाषा तुम हो मेरा व्याकरण प्रेम का तुमसे ही सीखा आचरण वाह मैं था वर्षा तुम शरद बन के जो आई बन गया जीवन सुनहरा उद्धरण wow. बन गया जी वन सुनहरा उद्धरण बंद है प्रेम से तुमने हराया क्रोध को तुमसे सीखा जिंदगी के बोध को wow. प्रेम से जग को है जीता जा सके सिद्ध कर दिया प्रेम के इस शोध को सिद्ध कर दिया प्रेम के इस शोध को है करना चाहूँ मैं तुम्हारा अनुकरण सब तुम्हारे गुणों का कर लूँ वरण तुम जो आई भवन से गृह हो गया हो गया सारे दुखों का निराकरण और इस गीत का उपसंहार देखिए <स्थाँगा>। प्रेम से कुछ उभरे आए गीत हैं लगता है दीवार खिड़की मीत हैं प्रेम से कुछ उभरे आए गीत हैं लगता है दीवार खिड़की मीत है मीठी तानों से हुआ आ मीठी तानों का हुआ आदि श्रवण सब तुम्हारे प्रेम से हुए प्रीत हैं सब तुम्हारे प्रेम से हुए प्रीत हैं ये गीत संपन्न हो गया है वाह बहुत बहुत धन्यवाद शकील जी और एक गीत मेरा बड़ा लोकप्रिय है भाषा को लेकर हो सकता है आपको कहीं अर्थ न समझ में आए लेकिन भाव समझ में आए कविता जो है भाव की चीज़ है क्योंकि यहाँ इतने सारे जो है उर्दू के दिग्गज हैं तो एक हिंदी को भी सुनिए दीजिए भाषा क्या है संस्कार क्या है जी कविता का संस्कार क्या बंद आरंभ करता हूँ <clears throat> दृष्टि में आई तुम रतिपथिक हो गया राग प्राचीन सा अभिलषित हो गया मुझको अनुरक्ति का पाहुर क्या मिला मुझको अनुरक्ति का पाहुर क्या मिला चित्त मेरा कलापी मुदित हो गया yeah. Yeah. चित्त में कलापी मतलब मोर होता है कलापी मतलब मोर होता है चित मेरा कलापी मुदित हो गया और बंद है स्वप्न रात भर हम निहारा किए तुम पे ही अपना सब वारा न्यारा किए स्वप्न टूटा तो थी खाट टूटी हुई स्वप्न टूटा तो थी खाट टूटी हुई फिर भी को उछलता गुब्बारा किए फिर भी उछलता गुब्बारा किए फिर भी को उछलता एक शब्द आएगा निमज्जित निमज्जित मतलब होता डूबा हुआ आरंभ करता हूँ बंद देखिए तुम ही हो मेरे उर के सभागार में तुम ही हो मेरे उर के सभागार में उर निमज्जित तुम्हारे ही है प्यार में कैसे विश्वास तुमको दिलाऊं प्रिय कैसे विश्वास तुमको दिलाऊं प्रिय बजती नूपुर सी हो ही के आगार में बजती नूपुर सी हो अच्छा। ही के आगार में बजती नूपुर सी हो आइए इसका उपसंहार करते हैं इस गीत का देव भाई भाई जी भाई हिय रहा ना हमारे ही व्यवहार में भ्रष्ट हो जाए ना कहीं आचार में लो बचा मुझे को तुम इस अनाचार से लो बचा मुझे को तुम इस अनाचार से इस कहल एक बस अपने अभिसार में इस कहल एक बस अपने अभिसार में अभिसार, में। अभिसार माने मिलन होता और अंतिम गीत एक पढ़ता हूँ जी, जी एक अंतिम गीत हिंदी वालों को तो थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए इतने लोगों में एक ही चिराग चिरागों के बीच दीपक है जगत तिवारी जी आपने हिंदी की शब्द संपदा को जितनी खूबसूरती के साथ अपने गीत में पिरोया है बधाई हो आपको एक बार तालियां हासिल धन्यवाद धन्यवाद आइए मैं मैं समझता हूँ गीत जो है कविता जो है वो केवल मनोरंजन नहीं है मनोरंजन के तो अनेक साधन हैं लेकिन कविता मनोरंजन के साथ मनोरंजन करती है इसीलिए मनोरंजन के सभी साधनों में श्रेष्ठ है उदात्त है आप मनोरंजन का कोई कार्यक्रम करें तो लोग सहजता से लेते हैं लेकिन जब आप कवि सम्मेलन करते हैं तो आपको लोग बुद्धिजीवी की दृष्टि से देखते हैं विवेकशील के दृश्य देखते हैं उस परिप्रेक्ष्य को ध्यान रखिए और एक कवि का दायित्व तो बोध क्या है वो मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ अध्यक्ष जी अनुमति जी इस तरह जोर होोगे कदाचार में इस तरह जोर होोगे कदाचार में तो कहानी बनोगे समाचार में इस तरह जोर होोगे कदाचार में तो कहानी बनोगे समाचार में प्रेम से भी बहुत जिंदगी में मिले लिप्त फिर हो रहे क्यों आनाचार लिप्त वाँ। फिर क्यों लिप्त फिर हो रहे क्यों आनाचार में और बंद देखिए तुम हो ना हक पड़े जीत में हार में तुम हो ना हक पड़े जीत में हार में जिंदगी जिंदगी सहज व्यवहार में जिंदगी जिंदगी सहज व्यवहार में मृत्यु से जिंदगी की बड़ी है ध्वजा मृत्यु से है बड़ी जिंदगी की ध्वजा कलुष पीड़ा सतत मिलता संहार में वाँ। वाँ। इस तरह जो रहोगे कदाचार में तो कहानी बनोगे समाचार में और बंद देखिए विशाल बाग जिंदगी है नहीं ऊंची दीवार में जिंदगी है नहीं ऊंची दीवार में जिंदगी बसती है आपसी प्यार में जिंदगी बसती है आपसी प्यार में प्यार से बात करके बने बात जो फिर उलझते हो क्यों झूठी तकरार में फिर उलझते हो क्यों झूठी तकरार में और अंतिम बंद उपसंहार देखे गीत का बहुत एक एक व्यक्ति का इसमें चाहूंगा ध्यान रहे केंद्र बिंदु है इस गीत का आ वो घर को चले क्यों हो बाजार में आ वो घर को चले क्यों हो बाजार में जो भी कहना कहो अपने परिवार में wow. Wow. आ वो घर को चले क्यों हो बाजार में जो भी कहना कहो अपने परिवार में wow. कुछ भी अनुचित न ऐसा प्रदर्शित करो कुछ भी अनुचित न ऐसा प्रदर्शित करो घर की बातें छपे कल के अखबार में घर <coughs> की बातें छपे कल के अखबार में और चार सुनाऊं सुनागे आप सबसे विदा लेता हूँ शिल्प के मोह में हे रह गया हिंदी का सौंदर्य देखिए शिल्प के मोह में हे फंसा रह गया शिल्प के मोह में ही फंसा रह गया प्रेम का कथ्य तो अनकहा रह गया प्रेम का कथ्य तो अन कहा रह गया वो कहानी में बन वो कहानी में बन नायिका छा गई मैं तो पुस्तक में बस प्राकथन रह गया वाँ वाँ मैं तो पुस्तक में बस प्राकथन रह गया हिंदी को सम्मान देने के लिए बहुत बहुत आभार धन्यवाद